नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। प्रिय मित्रों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। कौवा ने कौवी को बताई तीन बातें, अगर याद कर ली तो औलाद बुढ़ापे में दुख नहीं देगी। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय मित्रों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय मित्रों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, दोनों एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। प्रिय मित्रों, कौवा और कौवी का जीवन बड़ा ही सुखमय था, दोनों के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। प्रिय मित्रों, कुछ समय ऐसे ही निकलता है और एक दिन कौवी गर्भवती हो जाती है। प्रिय मित्रों, कौवी के गर्भवती होने से वह दोनों पति पत्नी अपनी संतान के आने की खुशी में बड़े ही प्रसन्न थे। कौवा कौवी का बड़ा ख्याल रखता, दाना पानी लाकर घोंसले में देता और कौवी भी अपने बच्चों के आने की खुशी में बड़ी प्रसन्न थी। प्रिय मित्रों, एक दिन कौवी कौवा से कहती है कि पियाजी, हमारा जब पुत्र आएगा तो हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारा घोंसला और दाना पानी है, हम वो सब उसको दे देंगे। हमारा और है ही कौन, जो है वह हमारे बच्चे का ही है, हम अपना यह घोंसला भी अपने बच्चों के लिए दे देंगे। प्रिय मित्रों, कौवी की ऐसी बात सुनकर कौवा कहता है कि प्रिय, हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी माँ बाप को अपनी औलाद के लिए समय से पहले कुछ नहीं देना चाहिए। प्रिय मित्रों, कौवा की ऐसी बातें सुनकर कौवी कहती है कि पियाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर बुढ़ापे में हमारा सहारा तो हमारे बच्चे ही बनेंगे। आज नहीं तो कल हमारा जो कुछ भी है वह हमारे बच्चों का ही होगा। तब कौवा कहता है और कौवी को समझाता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि औलाद को समय से पहले कुछ नहीं देना चाहिए। कौवा और कहता है कि प्रिय, अंत में मैं तुम्हें तीन कीमती बातें बताऊंगा और जो भी मनुष्य इन बातों को याद रखेगा, कभी उसकी औलाद उसे दुख नहीं देगी, दुख नहीं पहुंचाएगी। प्रिय मित्रों, तब कौवी कहती है कि पियाजी, आप कहानी शुरू करिए, मैं बड़े ही गौर से और ध्यान लगा करके कहानी को सुनूंगी। तब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है और प्रिय मित्रों, कौवा कहता है कि प्रिय, प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक मुरारी नाम के धनवान सेठ रहते थे। परमात्मा की कृपा से उनका घर हर एक सुख से संपन्न था। उनका एक पुत्र था। सेठ की पत्नी का देहांत हो चुका था। अपने पुत्र के ही सहारे सेठ मुरारी अपने जीवन को गुजार रहे थे। शेखर नाम का जो उनका बेटा था, सेठ अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उसी नगर में सेठ मुरारी का एक दुकान थी। दुकान से ही उनका पालन पोषण होता था। वही दुकान ही उनके धन कमाने का साधन था। सेठ के दुकान पर एक नौकर भी रहता था। नौकर उनके दुकान पर रहकर उनका हाथ बटाता था। प्रिय मित्रों, कौवा आगे अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि प्रिय, एक दिन की बात है, सेठ अपने दुकान पर बैठा हुआ था। कुछ लोग भी सेठ के दुकान पर बैठे हुए थे। तभी वहां सेठ का लड़का रोता हुआ आता है और रोते रोते वह लड़का अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे बहुत अधिक चोट लगी है। बेटे की आवाज सुनकर सेठ ने देखा कि उसके बेटे के माथे पर बहुत चोट लगी है और उसका माथा रक्त से पूरी तरह लाल हो चुका है। बेटे के माथे पर गंभीर चोट देखकर सेठ एकदम व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल क्यों ना हो, आखिर वह एक पिता थे। बेटे को गंभीर रूप से घायल देखकर सेठ ने तुरंत उसे गोद में उठाया और दुकान को नौकर के हवाले छोड़कर सेठ अपने बेटे को गोद में उठाकर पैदल ही डॉक्टर के पास भाग खड़े हुए। सेठ के दुकान से अस्पताल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की थी। सेठ बेटे को गोद में लेकर भागता भागता वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करके डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर उस समय अपने कक्ष में आराम कर रहे थे।
सेठ हांफते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को जल्दी देख लो, मेरे बेटे के माथे में बहुत गंभीर चोट लगी है। प्रिय मित्रों, कौवा यह कहानी अपनी पत्नी कौवी को सुना रहा है और कौवी बड़े गौर से और ध्यान लगाकर सुन रही है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय वह डॉक्टर सेठ का बड़ा ही परिचित था। सेठ की दुकान पर अक्सर डॉक्टर आते जाते रहते थे। डॉक्टर ने जब सेठ को अत्यंत व्याकुल देखा तो डॉक्टर एकदम से खड़ा हो गया और सेठ से बोला, अरे सेठ जी क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ है, क्या कोई अनहोनी हो गई? सेठ अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से सारी बात डॉक्टर को बताता है कि उसके बेटे को बहुत गंभीर चोट लगी है, कृपया जल्दी चलकर आप उसे देख लो, उसका काफी रक्त बह चुका है। डॉक्टर यह सुनकर तुरंत सेठ के साथ चल देता है और सेठ के घायल बेटे के पास पहुंचता है। डॉक्टर ने सेठ के बेटे के जख्म को देखा तो सेठ को बताया कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, चोट मामूली सी है, गिरने की वजह से माथे में थोड़ा घाव हो गया है, मैं इसका उपचार कर देता हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सेठ को अब भी बेचैनी बनी हुई थी। सेठ बार बार डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब जरा ढंग से देखिए, बच्चे के मस्तक से काफी रक्त बह चुका है। डॉक्टर बोला, सेठ जी आप बिना बात के परेशान होते हैं, मैं मरहम पट्टी किए दे रहा हूँ, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। सेठ बोला, डॉक्टर साहब आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चाहे कितनी ही महंगी दवाई आए मैं उन्हें ले लूँगा, चाहे मेरी सारी संपत्ति बिक कर बेटे के इलाज में लग जाए, लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, आप जरा महंगी महंगी दवाइयाँ लिखिए ताकि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। डॉक्टर ने फिर कहा, सेठ जी आप परेशान मत होइए, आपका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर से पहले की तरह खेलने कूदने लगेगा। डॉक्टर ने सेठ के बच्चे का उपचार शुरू कर दिया, उसके घाव को साफ करके उस पर मरहम पट्टी कर दी और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। उसके बाद सेठ से कहा, सेठ जी अब आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। सेठ बार बार भगवान से प्रार्थना करता हुआ अपने बच्चे को लेकर घर आ गया। इधर जब शाम को दुकान बंद करके सेठ का नौकर सेठ के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि सेठ का बेटा सो रहा है और सेठ अपने बेटे के पास बैठकर अपने हाथ से पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रहे थे। एक पिता का बेटे के प्रति इतना प्रेम देखकर नौकर की आंखें झलक आई, सोचने लगा, है परमात्मा ऐसा पिता हर किसी को प्राप्त हो। इधर जब नौकर सेठ के पास पहुंचा, तो नौकर ने देखा कि सेठ जिस कुर्ते को पहने था उस पर खून के दाग लगे हुए थे। नौकर ने सेठ से कहा, मालिक आपके कुर्ते पर खून के दाग लगे हैं, आप एक काम करिए, आप इस कुर्ते को उतार कर मुझे दे दीजिए, मैं इसे धोकर साफ कर दूंगा, यदि इन दागों को साफ ना किया गया तो दाग कपड़े को कभी नहीं छोड़ेंगे और आपका इतना महंगा कुर्ता इन रक्त के दागों की वजह से खराब हो जाएगा। अपने नौकर की यह बात सुनकर सेठ बोला, भाई मेरा कुर्ता मेरे बेटे से अधिक कीमती नहीं है, तू मेरे कुर्ते की चिंता मत कर और जल्दी से बाजार जा और मेरे बच्चे के लिए काजू बादाम और मेवा मिष्ठान लेकर आ, मुझे अपने बेटे को काजू बादाम पीस कर खिलाने हैं ताकि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके, इसके शरीर से बहुत सारा रक्त बह चुका है, मुझे इसको हर रोज पौष्टिक चीजें खिलानी है ताकि उसके रक्त की पूर्ति हो सके। प्रिय मित्रों, कौवा आगे अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि प्रिय सेठ की बात सुनकर वो नौकर बाजार चला जाता है और बाजार से फलों का रस और मेवा मिष्ठान लेकर आता है। सेठ जी अपने पुत्र की माँ की तरह सेवा कर रहे थे, उसे फलों का रस पिलाते हैं, दूध में डालकर काजू बादाम खिलाते हैं। धीरे धीरे सेठ के बेटे के जख्म ठीक होने लगे। सेठ पूरे दिन अपने बेटे के पास रहते थे, उसे एक पल के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ा था। जब उनके पुत्र का जख्म पूरी तरह से भर गया तब सेठ को संतुष्टि मिली। उसके बाद सेठ ने अपने दुकान पर जाना शुरू कर दिया। जब तक वह ठीक नहीं हो गया तब तक सेठ एक भी दिन दुकान पर नहीं गए थे।
उन्हें सदैव अपने पुत्र की चिंता लगी रहती थी। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे वक्त बीता, वक्त के साथ सेठ का पुत्र भी बड़ा हो गया। जब वो शादी के योग्य हो गया तो सेठ ने बड़ी धूमधाम से एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया। सेठ की बहू घर में आ जाती है। अब तो सेठ की जिंदगी अपने बहू बेटे के साथ बड़े आनंद से कटने लगती है। शुरू शुरू में तो बेटे की बहू ने अपने पति और ससुर की बड़े अच्छे ढंग से सेवा करी, उनका ठीक से ख्याल रखा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सेठ की पुत्र वधु के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। सेठ के साथ वो दिन पर दिन बुरा व्यवहार करने लगी, पर सेठ भी बहू के व्यवहार को समझ रहे थे, पर वह इस बात की चर्चा कभी किसी से नहीं करते थे और ना ही अपनी बहू के प्रति उनके मन में कभी नाराजगी आई। सेठ सोचते थे, कोई बात नहीं, अभी ना समझ है, जब जिम्मेदारी आ जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा। सेठ को लगता था कि उसके बहू बेटा ही तो है जो बुढ़ापे में उसका सहारा बनेंगे। अभी तो मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, बिना सहारे के रह सकता हूँ तो मुझे क्या पड़ी है जो बहू और बेटा पर बोझ बनूं। यही सोचकर सेठ हरदम खुश रहता था। वो कभी अपनी बहू और अपने बेटा से किसी बात का गिला शिकवा नहीं करता था। प्रिय मित्रों, कौवा आगे कोवि से कहता है कि प्रिय, समय के साथ साथ सेठ बूढ़ा हो गया और यह तो आप जानते ही है कि चाहे कोई कितना ही सामर्थ्यवान रहा हो, पर बुढ़ापे में उसे किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति एक दिन इस अवस्था को स्वीकार करता है। प्रिय मित्रों, इधर समय के साथ सेठ पर बुढ़ापा आता गया और सेठ का दुखन दिन पर दिन बढ़ती चली गई। अब तो उसकी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई। पूरे शहर में सेठ का शोरूम प्रसिद्ध हो गया। आए दिन उनके शोरूम पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अब तो उस शोरूम को सेठ का बेटा संभालने लगा था। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है, सेठ और उसका बेटा साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे थे तो सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तो आप सब लायक हो, शोरूम भी अच्छी तरह से संभालते हो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब कोई काम नहीं होगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना अब सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं और घर की तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दूं। प्रिय मित्रों, कौवा आगे कोवि से कहता है कि प्रिय, सेठ का यह प्रस्ताव सेठ के बहू और बेटे को बहुत अच्छा लगा। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगे। प्रिय मित्रों, अगले दिन सेठ ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करवा दी और घर की तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दी और कहा, बहू अब तुम पूरी तरह से घर की मालकिन बन गई हो और अच्छे से घर को चलाओ, और मुझे क्या चाहिए, बस समय से मुझे भोजन पानी देते रहना और मेरी देखभाल करते रहना। पिता की सारी संपत्ति बेटों की ही होती है। प्रिय मित्रों, सेठ की बहू और बेटे ने सेठ से कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, हमारे होते हुए तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, हम दोनों तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे। प्रिय मित्रों, इधर सेठ की बहू मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो अच्छा हुआ, अब अपनी मनमर्जी से खर्च कर लूंगी, जैसे चाहूं वैसे कपड़े पहन सकूंगी, जो इच्छा होगी वह खा सकूंगी, जो मन मर्जी होगी वह खरीद सकूंगी। सेठ अपनी सारी जायदाद बेटे के नाम करने के बाद अगले दिन अपने नौकर के साथ अपनी शोरूम पर जा रहा था। तब रास्ते में सेठ के नौकर ने सेठ से कहा, सेठ जी क्या आप कहीं तीर्थ करने जा रहे हो। सेठ ने कहा, नहीं तो। तब नौकर बोला, फिर आपने अभी से सारी जायदाद अपने बेटे के नाम क्यों करा दी। सेठ बोला, अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है, आज नहीं तो कल, वो तो वैसे भी मेरे बहू और बेटों को ही मिलनी थी, अभी से दे दी तो क्या हर्ज है, बस वह दोनों प्रसन्न रहने चाहिए, जब वह प्रसन्न रहेंगे तो मेरी भी अच्छे से देखभाल करेंगे। खैर तुम इतना दिमाग मत चलाओ, मुझे क्या कहना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं सब पता है। सेठ के जवाब को सुनकर नौकर चुप हो जाता है। प्रिय मित्रों, कुछ समय और बीता और समय के साथ बुढ़ापा सेठ पर और ज्यादा हावी हो गया। सेठ को अब दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना भी बंद हो गया, उसके शरीर में भी कमजोरी आ गई। चलने फिरने के लिए उसे नौकर के सहारे की जरूरत पड़ती थी। सेठ अभी भी अपने नौकर के सहारे चलकर फैक्ट्री में जाता था और अपने बेटे के काम में हाथ बटाता रहता था।
धीरे धीरे उसके बुढ़ापे के शरीर को रोगों ने घेर लिया। उसने बीमार होकर चारपाई पकड़ ली। बिना सहारे के अब उससे उठा भी नहीं जाता था। एक दिन सेठ के लड़के ने कहा, पिताजी आप बीमार हैं, इसलिए आप पलंग पर मत सोइए, आपको चढ़ने उतरने में काफी परेशानी होगी। सेठ बोला, हाँ बेटे तुम ठीक कहते हो, मुझसे अब पलंग पर भी चढ़ा उतरा नहीं जाता। प्रिय मित्रों, सेठ के लड़के ने क्या किया, अपने पिता का बिस्तर जमीन पर लगा दिया। अब वो बूढ़ा पिता दिन भर जमीन पर पड़ा रहता था और उसका लड़का शोरूम में चला जाता था। सेठ की बहू पूरे दिन अपने काम में मग्न रहती थी, कभी बाजार घूमना, कभी सहेलियों से गप्पे मारना। वह अपने काम में इतनी मस्त रहती थी कि अपने ससुर को भोजन पानी का भी नहीं पूछती थी। वह बेचारा अपने बिस्तर पर ही पड़ा पड़ा आवाज लगाता रहता था। सेठ का लड़का और बहू अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे, बूढ़े पिता की तो उन्हें बिल्कुल ही चिंता नहीं थी। पूरे दिन वो शोरूम में रहता और शाम को जब घर पर आता तो अपनी पत्नी के साथ शहर में टहलने और खाने पीने के लिए चला जाता। उसकी पत्नी ने घर पर भोजन बनाना कम कर दिया। वह अपने पति के साथ जाकर रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना खाती थी और घर पर उसके बूढ़े पिता को 3 दिन पुरानी बासी रोटियां खाने को दे देती थी। बूढ़ा बाप अपने बेटे के आने का इंतजार करता रहता था, पर उस बेटे के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं था। जब कोई भी उसके पास उसका हालचाल पूछने नहीं जाता था तो पिता की आंखें भर आती थी और वह सोचने लगता था कि जिस बेटे को मैंने खिलाया पिलाया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके सुख दुख का पल पल ख्याल रखा, उस बेटे के पास मेरे लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। सेठ के बेटे ने और बहू ने तो उनके पास जाना ही छोड़ दिया था, पर सेठ का जो नौकर था वो अपने मालिक की बड़ी फिक्र रखता था। वो रोजाना शोरूम में जाने से पहले अपने मालिक के पास जरूर घूमने जाता था और उनका हालचाल पूछकर शोरूम में चला जाता था। कभी सेठ को कुछ चीज खाने की इच्छा होती थी तो वह शाम को लाकर सेठ को चुपचाप दे जाता था। प्रिय मित्रों, चुपचाप इसलिए देता था ताकि सेठ की बहू उसे डांटे फटकारे नहीं, अगर वह देख लेती तो उसकी शिकायत अपने पति से करती कि हमारा नौकर पिताजी का परहेज बिगाड़ता है। प्रिय मित्रों, कौवा आगे अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि प्रिय, एक दिन नौकर ने सेठ से पूछा, सेठ जी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तो सेठ ने कहा, भाई वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जमीन पर पड़े पड़े मेरी कमर अकड़ गई है, तुम मुझे उठाकर बैठा दो। नौकर ने सेठ को सहारा देकर उठाया और उन्हें थोड़ा टहलाया, उसके बाद फिर पलंग पर लिटा दिया और कहा, सेठ जी आप पलंग पर लेटिए, पलंग पर ज्यादा आराम मिलेगा। नौकर सेठ को पलंग पर लेटा कर शोरूम में चला जाता है। प्रिय मित्रों, दोपहर के समय इधर सेठ जी को बहुत तेज प्यास लग रही थी। वह अपने बहू को आवाज लगाकर पानी मांग रहे थे, पर सेठ की बहू तो उस समय घर में ही नहीं थी, वह अपनी सहेलियों के साथ बाहर गप्पे मार रही थी। सेठ पानी मांगते मांगते थक गया। जब किसी ने उसे पानी नहीं दिया तो सेठ पानी पीने के लिए स्वयं ही चल दिया। सेठ पानी पीने के लिए जैसे ही पलंग से उठा तो उतरते समय सेठ एक ओर को गिर गया। नीचे फर्श था, फर्श पर मुंह के बल सेठ गिरा तो वहीं के वहीं पड़ा रह गया। उसके माथे में बहुत चोट लगी थी, उसके माथे से काफी खून बहने लगा। उधर सेठ के गिरने की आवाज सुनकर उसकी बहू भागकर अपने ससुर के कमरे में आती है तो उसने देखा कि उसका ससुर फर्श पर मुंह के बल पड़ा है। उसने अपने ससुर को तो उठाया नहीं, उल्टा उन पर बड़बड़ाने लगी कि बुढ़ा गिर गया, अब ठीक रहा, मर जाता तो अच्छा होता, जमीन पर लेटा दिया था तो इससे लेटा नहीं गया, तब तो इसकी कमर जकड़ गई थी, अब गिर गया, अब ठीक रहा। प्रिय मित्रों, उसने फोन करके अपने पति को यह बात बताई कि आपके पिताजी पलंग से नीचे गिर गए हैं और उनके माथे में चोट लगी है, खून बह रहा है। सेठ के लड़के ने सुना तो उसने तुरंत अपने नौकर से कहा कि काका जी जल्दी घर जाइए, पिताजी पलंग से नीचे गिर गए हैं, तुम उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल पहुंचो, मैं शोरूम बंद करके अस्पताल पहुंच जाऊंगा। नौकर भागा भागा घर पहुंचा, उसने जाकर देखा तो सेठ अभी भी उसी अवस्था में मुंह के बल पड़े थे।
सेठ की बहू ने उन्हें छुआ तक नहीं था। नौकर ने अपने मालिक को जैसे तैसे उठाया और अस्पताल ले गया, क्योंकि नौकर भी काफी बूढ़ा हो चुका था। फिर भी वह हिम्मत करके उन्हें ले गया। इधर सेठ की बहू ने देखा कि सेठ जिस कालीन पर गिरा था वह कालीन रक्त से लाल हो गई थी, तो वो मुंह बनाती हुई बोली कि बुड्ढा ने इतनी कीमती कालीन खराब कर दी। प्रिय मित्रों, बूढ़ा नौकर अपने मालिक को कंधे पर डालकर अस्पताल ले गया। अस्पताल ले जाकर सेठ को दीवार के पास बैठा दिया और सेठ के बेटे को इधर उधर देखने लगा, पर सेठ का लड़का वहाँ कहीं भी नजर नहीं आया। तब नौकर ने उसे फोन लगाया और कहा कि आप कहाँ हो, आपके पिताजी को काफी चोट लगी है, जल्दी अस्पताल पहुँचिए। तब सेठ का लड़का उधर से कहता है, काका आप पिताजी को दिखाइए, अभी फैक्ट्री में कुछ मीटिंग चल रही है, इसे निपटा कर और घर पर एक नई कालीन पहुँचा कर अभी अस्पताल पहुँचता हूँ। प्रिय मित्रों, नौकर अस्पताल के बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा, सोचने लगा कि एक दिन वो भी था जब सेठ के बेटे को चोट लगी थी, तो हमारे सेठ उसे पैदल ही अस्पताल लेकर भाग आए थे। एक घंटे की दूरी तब उस समय उन्होंने 10 मिनट में तय की थी, लेकिन यह लड़का गाड़ी से है फिर भी एक घंटे में अस्पताल नहीं पहुंचा। क्या जमाना आ गया है। प्रिय मित्रों, कौवा आगे कौवे से कहता है कि प्रिय, लगभग 1.5 घंटे बाद सेठ का लड़का अस्पताल आता है और तब उसने अपने पिता को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब सेठ का जख्म देखा तो कहने लगा, अरे भाई इन्हें तो बहुत चोट लगी है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का बोला, अरे डॉक्टर साहब आप इन्हें भर्ती मत करिए, ऐसे ही इनके घाव पर मरहम पट्टी करके दवाइयां दे दीजिए, अगर इन्हें भर्ती कर लिया तो मुझे इनके साथ अस्पताल में रहना पड़ेगा और इस वजह से मैं अपनी फैक्ट्री भी ठीक से नहीं देख पाऊंगा और घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह पाती है, आप इन्हें भर्ती ना करके ऐसे ही दवाइयां दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है मैं इनकी मरहम पट्टी करके कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, दवाइयां थोड़ी महंगी जरूर आएंगी पर आपके पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, डॉक्टर की बात सुनकर लड़का बोला, अरे डॉक्टर साहब इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या जरूरत है, दवाइयां थोड़ी सस्ती लिख दीजिए, 4-5 दिन की जगह ठीक होने में इन्हें 10-15 दिन लग जाएंगे, कौन सा इनके बिना कोई काम रुकता है, पूरे दिन तो वैसे भी पड़े ही रहते हैं, आप सस्ती दवाइयां लिखिए, पड़े पड़े आराम से यह खाते रहेंगे। प्रिय मित्रों, वह डॉक्टर उन सेठ जी को और उस लड़के को अच्छी तरह से पहचानता था। सेठ के बेटे की बात सुनकर डॉक्टर और उस नौकर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर सेठ के लड़के को अपने कमरे में बुलाकर ले गया और कहने लगा, वाह बेटे तुमने अपने पुत्र होने का मूल चुका दिया है, तुम्हारे जैसे बेटे इस धरती पर बोझ के रूप में होते हैं। एक दिन वो था जब तुम छोटे थे और तुम्हें छोटी सी चोट लगी थी, तो तुम्हारे पिता तुम्हारी उस चोट को देखकर व्याकुल हो गए थे, वह हांपते हांपते मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब आप महंगी से महंगी दवाई लिखिए, चाहे मेरी सारी संपत्ति बिक कर बेटे के इलाज में लग जाए पर मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, और एक तुम हो जो अपने पिता के लिए सस्ती दवाइयां लिखवाने का बोल रहे हो, तुम कैसे बेटे हो। प्रिय मित्रों, डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का हैरान हो गया। अब डॉक्टर के बाद फिर नौकर ने कहना शुरू किया, हे बेटे तुम्हें कुछ नहीं पता कि सेठ ने तुम्हें कैसे पाला है, कैसे इतना बड़ा किया है, तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ स्वर्ग सिधार गई थी, तब तुम्हारे इन्हीं पिता ने तुम्हारा माँ की तरह पालन पोषण किया, तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने अपना दूसरा विवाह तक नहीं किया, तुम जब परेशान हो जाते थे तो तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ साए की तरह बने रहते थे, जब तुम 10 वर्ष के थे तो एक दिन तुम्हारे भी माथे में चोट लग गई थी, तब तुम्हारा पिता दुकान को खुला छोड़कर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास भाग गया था और 60 मिनट की दूरी 10 मिनट में तय करके वह तुम्हें डॉक्टर के पास ले गए और तुम्हें यहाँ तक आने में 2 घंटा लग चुका है, तुम्हारे रक्त से उनका कुर्ता लाल हो गया था, जब मैंने उनसे कुर्ता साफ करने को कहा तो उन्होंने मुझसे कहा था
कि यह कुर्ता मेरे बेटे से ज्यादा कीमती नहीं है, यही तुम्हारे पिता जब तक तुम ठीक ना हो गए तब तक तुम्हें छोड़कर दुकान में भी नहीं गए थे। और एक तुम हो जिसे अपने पिता की जरा भी परवाह नहीं है, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तुम्हारे अंदर तो मानवता भी नहीं है। धिक्कार है तुम्हारी जैसी औलाद को, भगवान ऐसी औलाद किसी को भी ना दे। प्रिय मित्रों, अपने नौकर और डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का रोने लगा, उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी और वो तुरंत उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, डॉक्टर साहब आपने मेरी आंखें खोल दी, मैंने अपने पिता के ऋणों को भुला दिया था, मैं अपनी स्त्री के प्यार में पड़कर अपने देवता समान पिता को भूल गया था, जिन्होंने मुझे खुश रखने के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया, उन्हीं पिता को मैंने पराया करके उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, मैं अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटे मुझसे क्षमा मांगने से अच्छा है आप अपने पिता से क्षमा मांगो। प्रिय मित्रों, कौवा आगे कौवी से कहता है कि प्रिय, उसके बाद वह अपने पिता के पास गया और उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगा। डॉक्टर से कहकर उसने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करा दिया और उनके पास रहकर उनकी देखभाल करने लगा, अच्छे से अच्छा अपने पिता का इलाज कराया। पिता ने देखा कि उनका बेटा अब पूरी तरह से सुधर गया है, उसके अंदर संस्कार आ चुके हैं, तो वो बूढ़ा पिता भी बड़ा प्रसन्न होता है और अपने बेटे को गले से लगाकर बोला, बेटा तुम देर आए दुरुस्त आए, तुमने अपने आप को बुढ़ापे के कष्टों से बचा लिया है, क्योंकि जो बुढ़ापा आज मुझ पर है कल आप पर भी आएगा। जब आपके बहू बेटा आपके साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे तब आपको कितना दुख होगा, इसलिए बेटा कभी अपने कर्तव्य से, अपने पुत्र धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने पुत्र से यही उम्मीद रहती है कि बुढ़ापे में वह उनका सहारा बने। बचपन में पिता पुत्र को पालता है और बुढ़ापे में पुत्र पिता को पालता है, यही हमारा धर्म है। प्रिय मित्रों, आगे कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, बूढ़ा पिता अपने बेटे को समझाता है। पिता कहता है कि पुत्र, तुम मेरी इन तीन बातों को हमेशा याद रखना, कभी बुढ़ापे में कष्ट नहीं भोगोगे। पहली बात, अपने बच्चों पर सदैव दृष्टि रखना, वह किसी शरारती असभ्य असामाजिक लोगों का साथ नहीं करते हों, क्योंकि दुष्टों के साथ रहने से उनमें भी दुष्टता का भाव आ जाता है। दूसरी बात, अपनी औलाद को हमेशा संस्कारों से सींच कर रखना, जो संतान संस्कारहीन हो जाती है वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाती है और वही संतान अक्सर अपने बुजुर्गों का सहारा नहीं बनती। तीसरी बात, अपनी संपत्ति धन जायदाद अपने जीते जी अपनी औलाद के नाम कभी मत करना। मनुष्य जब खाली हो जाता है तो लोग उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं और दौलत पाकर वह भटक जाते हैं। मैंने भी यही किया था, अपने जीते जी तुम्हें अपना सारा कुछ दे दिया, सब कुछ तुम्हारा हो जाने के बाद तुम्हें लोभ तो रहा ही नहीं, इसीलिए तुमने मुझे देखना बंद कर दिया। इसीलिए धन पाकर अक्सर बेटे बिगड़ जाते हैं, वह अपने बुजुर्गों की देखरेख नहीं करते। प्रिय मित्रों, आज सेठ के लड़के को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई, इस प्रकार वो सेठ का लड़का अपने पिता का इलाज कराकर उन्हें अपने घर ले आया और उनकी ठीक से देखभाल करने लगा। कहने लगा, अब मेरा पहला धर्म है आपकी सेवा करना, आपका ख्याल रखना। प्रिय मित्रों, इस प्रकार कौवा यह कहानी कौवी को सुनाता है और कौवी को बात समझ में आ जाती है। कौवी कहती है कि पियाजी धन्यवाद जो आपने मुझे यह कहानी बताई और मैं अब समझ गई हूँ कि किस प्रकार अपने बच्चों को पालना है, अपनी औलाद को किस प्रकार संस्कार देना है। प्रिय मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी, ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।